हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सबका। मैं हूँ नवीन और आप देख रहे हैं नवीन चौधरी ब्लॉग्स। आज शाम मैं आया था इवनिंग वॉक के लिए और इस पार्क में देखा तो दिवाली की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि इस पार्क में ऐसा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है एक सेपरेट, और उसमें दिवाली की दुकानें लगती हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती हैं, और दुकानदार उसे बाय करते हैं कुछ समय के लिए और संतरात को एक लाइसेंस फीस देते हैं जिससे वो पटाखे लगा सकें, फायरवर्क्स। और एक इससे सेफ्टी मेजरमेंट भी हो जाता है कि जो पटाखे बाज़ार में या तन गलियों में लगते थे वो एक खुले मैदान में लगते हैं, जिससे कि बहुत कम होता है कि हादसा हो सके। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम उस जगह जहाँ पे शॉप्स बननी तैयार हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट रेडी भी हैं, क्योंकि दिवाली में अब एक हफ्ता रह गया है और ऑलमोस्ट रेडी हैं शॉप्स सारी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, कटाई का काम चल रहा है और दुकानें बनाई जा रही हैं लगातार। ये सारे एरिए में कम से कम 20 से 30 करीबन दुकानें होंगी जो लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी पटाखे खरीदने के लिए। ये देखिए, और आपको एक ग्राउंड की खास बात बताता हूँ। जैसे ये आप शॉप देख रहे हो, ये वाली यही है वो ग्राउंड जहाँ पे हरभजन सिंह ने अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत करी थी। अभी तो मैं इस वक्त अंदर नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि कभी ना कभी आपके लिए इस ग्राउंड की और इसके स्टाफ से या कोच से बात करवा सकूँ और आपको बता सकूँ हरभजन सिंह ने अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत कैसे और किन हालात में की थी। आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।